Then that frequency of stool is changed. Okay, stool is not coming in natural birth. Sometime quantity of stool is more, and sometime less, and sometime meager. Okay, appearance of stool has changed. Sometime it appears semi-solid, sometime liquid, and sometime in watery form. While sometime combination of it. Okay, solid form stool not occurring since last 1 year. Solid form stool not occurring since last 1 year. That I am assuming. Okay. Stool having mucus. That is brownish is color, sometime yellowish. It is lacking proper yellowish clear. Proper yellowish clear nahi aata stool ka. Some doctors saying it is IBS. Somebody saying there is no IBS. Somebody saying it is colitis. Somebody saying intestine, your intestine flora has changed. Somebody saying no any disease. There is some doctor, that army doctor has told us, told me, you have no any disease. He has written NAD in his prescription. Stomach is being upset from last 1 year. Okay. कभी कभी ममोरा भी पड़ता है, कभी जो है अटन टाइप का हो जाता है. मतलब अभी जैसे कल इवनिंग की बात कर रहा हूँ मैं. इवनिंग अराउंड 11 o'clock आई वेंट फॉर अ स्टूल. दैट इज इन वॉटरी फॉर्म. मॉर्निंग आई हैव गॉन फॉर अ स्टूल. दैट इज ऑल्सो इन वॉटरी फॉर्म. मतलब इन लिक्विड फॉर्म. बट इट सीम्स लाइक कि जो है ऐसा कि ये मतलब जैसे लूज मोशन होता ना उस टाइप से. आफ्टर दैट नाउ आई एम फीलिंग गुड. देयर इज नो पेन, नो ब्लॉटिंग, नथिंग लाइक दैट. अच्छा, माय बैकग्राउंड इज दैट आई एम एन एक्टिव स्पोर्ट्समैन. आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट. आई हैव डन 7 to 8 years स्पेंड माय सेल्फ इन मार्शल आर्ट. इंटरेड अप टू स्टेट लेवल. व्हाट हैपन कि आफ्टर कमिंग इन दिस लखनऊ ना, आई हैव एब्सोल्युटली लेफ्ट माय ऑल द गेम्स. ठीक है ना. आई एम डूइंग माय ऑफिस, आई एम डिटेल इन ऑफिस. आई एम डूइंग माय ऑफिस जॉब एंड समवट स्ट्रेसफुल जॉब. अच्छा, अर्लियर इट वाज अ केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन. अर्लियर बिफोर मतलब एट अराउंड व्हेन आई वाज 17 18 19, दैट टाइम देयर सम प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन. तो उस समय क्या होता है, स्टूल एवैक्यूएट नहीं होता था. तो उसके लिए मतलब होता मतलब उतना मतलब जैसे होता ना नॉर्मल ही होता था, बिल्कुल ठीक होता था. लेकिन कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता, मैं उल्टा सीधा चीज खा लेता था. इसमें माय फूड हैबिट वाज समवट नॉट गुड सिंस फ्रॉम माय चाइल्डहुड. तो इसलिए जो है ना कभी मैं सब बोल लेता, कभी अदर सप्लीमेंट्री ले लेता था. और जो है ना सर कि फूड टाइम इधर एक साल से मैं थोड़ा ऑफिस स्ट्रेस के कारण जो है इग्नोर भी किया. ऑफिस में किस टाइप की जॉब है आपकी, क्या करते हो उसमें, ऑफिस में क्या करते हैं, क्या? आई हैविंग सम डॉक्यूमेंट्री जॉब. ओके. आई हैव टू डील विद पहले तो ट्रेस आउट नहीं हुआ. 6-7 महीने तक तो मैं यहाँ मतलब आया था. मैं फरवरी 2012 में आया था यहाँ पर. फरवरी 2012 में आने के बाद व्हाट हैपन कि मतलब जबकि फील्ड से मैं आया था यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये हुआ मतलब खाना पीना से लेकर उल्टा सीधा कुछ भी खूब इंजॉय किया, इधर उधर खाया पिया. आप पीछे से देखिए इसको, तब इसको ये सीक्वेंस पता चलेगा. इसको पीछे से देखिए यहाँ से. तो ये तो नॉर्मल मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था. एक बार ऐसे होता हूँ रूटीन टेस्ट पहले मैं ये मेरा इस माय फैमिली डॉक्टर डॉक्टर दीपक चंद्र दे. ये प्रॉब्लम कब मेरे को समझ में आया, ये कब कौन सा डेट है, देखिए इसमें डेट लिखा होगा मैंने 15-10 को समझ में आया. मुझे लगा कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा करके, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया. ये टोल्ड मी कि यू हैव, लेकिन आप तो बता रहे 1 साल करीब हो गए ना. ये हो रहा था लेकिन मतलब हो जाता था, बंद हो जाता था. मैं बीच में एक बार और एक होम्योपैथी है डॉक्टर जैन से थोड़ा बहुत दवा लेता था मैं, तो नॉर्मल मतलब उतना फर्क नहीं पड़ा. बीच में एक्सरसाइज चालू कर दिया तो फिर ठीक हो गया काफ़ी ज़्यादा. फिर उसके बाद जो है ना कि ये स्टार्ट हो गया. देखो ये 7-2012 मतलब मैं जब छुट्टी जाता था, छुट्टी से जब यहाँ पर आता हूँ तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. तो मैंने इनके एडवाइस से मैंने ये टेस्ट करवाया था स्टूल कल्चर. लेट मी कनेक्ट. इनके डायस पे मैंने स्टूल कल्चर ये सब करवाया था, रिपोर्ट ले गया था. मैं जैसे ही लीप से आया मेरे को थोड़ा सा लूज मोशन टाइप का हो गया था, तो मैंने ये दवा ली. तो फिर भी उसे ठीक नहीं हुआ. ये दोनों रिपोर्ट एक साथ है, इसमें तो हुकवॉर्म बैक्टीरिया ये सब निकला था स्टूल में. तो मैंने इनसे ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया. डॉक्टर एस गुप्ता, एस एम बी बी एस एम डी मेडिकल इन सदर, तो इनसे इन्होंने मेरा इलाज किया. 1 महीना मैं मेडिसिन खाया, क्योर हो गया बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है. फिर मैं सोचा कि यार चलो अब तो डिसीज खत्म हो गया, अब मैं मतलब डिसीज मतलब हर समय तो मेडिसिन नहीं खा सकते हैं. तो इसलिए जो है ना सा कि उन्होंने फिर स्टूल टेस्ट किया, इसमें नॉर्मल आया.
फिर उन्होंने ये भी किया स्टूल टेबल बोला इसमें लूज है कंसिस्टेंसी ओकेजनल है फंगल से स्पोर्स है तो मैं छोड़ दिया फिर दिसंबर में मेडिसिन नहीं किया फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया फिर मैं इसके पास में गया हाँ हाँ सुनिए इसका कहानी क्या हुआ तो मेरे को इसका ऊपर सिस्टम देख के इसका फेथ नहीं हुआ ये समवॉट आई सीम इट सीम्स कमर्शियल इन नेचर दिस डॉक्टर अगेन जो है ना सा कि मैं उसके पास में आया डॉक्टर दीप गुप्ता के पास में टोल्ड मी यार चौधरी व्हाट आर यू डूइंग ये तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल है ये फलाना ये लिखा है इसमें कोई पेनफुल इसने से ये सब बोल की दी और जो है ना सा कि ये बोला ये सब कोई टेस्ट कराना दरकार नहीं इन्होंने एंडोस्कोपी सजेस्ट किया था क्या एंडोस्कोपी सजेस्ट किया था जो है ना सा कि और कुछ ब्लड टेस्ट से इट कॉस्ट अराउंड 6000 समथिंग वो मेरे लिए बड़ा बात नहीं था मैं करवा सकता था बट क्यों मैं क्यों कराऊँ मैं फिर मैं अपना जो सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल वहाँ पर मैंने दिखाया तो वहाँ का स्टूल में कुछ नहीं निकला स्टूल कल्चर में कुछ नहीं निकला फिर वहाँ क्लासिफाइड डॉक्टर है ये गैस्ट्रोनेटिस्ट उन्होंने देखा मेरे को बढ़िया से देखा इसमें कोई दिक नहीं है मैं उनको बताया प्रॉब्लम नो पेन नो ब्लोटिंग नो वेट लॉस नथिंग लास्ट में नो एनी डिजीज ये सब बोल दे दिया एक बिफिलेक टैबलेट दे दिया ये करके तो मतलब प्रॉब्लम चला जा रहा फिर आ जा रहा फिर मैंने ये होम्योपैथी दिखाया छुट्टी में गया था अभी हाल में ये होम्योपैथी दिखाया ये बोला तो ये इन्होंने जो दवाई दिया ना तुम ठीक हो गए लगभग इन्होंने ये बोला कि यदि आप ये सब छोटी मोटी चीज़ के लिए यदि आप एलोपैथी लोग हैं तो सर्टेनली कि यू विल फॉल इन समवन अदर डिसीज तो वहीं पर एक और डॉक्टर बैठते हैं हिज एमडी समवेयर दिस डॉक्टर तो अभी मैं इनका मेडिसिन Who has diagnosed you as a IBS? IBS basically, first of all, IBS been diagnosed by Dr. Gupta. Dr. Gupta is Gupta basically. He was gastroenterologist. And furthermore, it was defined by that gastroenterologist of our MMH Medical Hospital. Medical Hospital, Army, huh? Army. Okay. Army Hospital. So it was diagnosed since? It was diagnosed since ke it is IBS. Since from last 1 year I was suffering from that problem. They diagnosed ki you are suffering from the IBS and you need he given some sort of medicine. That medicine I have taken but the result which I expected, that not come. That not so what was the benefit you have got from my medication? Your medication is quite good. The frequency of the stool has been reduced. Earlier I used to go 4-5 times in a day. But after taking your medicine, it quite reduced. And within a I am going for the 2 times for a stool. And I am feeling somewhat better than earlier. And is there any pain, any type of pain? No pain, no bloating. Earlier there was also no pain and no bloating. Now also I have no pain and no bloating in passing the stool. But thing is that the stool form is not being corrected right now. The stool is sometimes coming in semi-solid form, sometimes coming in liquid form. And you know, matlab, the natural bulk is lacking. Still the natural bulk is lacking. Okay. Let me increase the power of your medication. So now, how is your IBS problem? I'm feeling very fine. My problem is what I feel getting removed at least 90%. And is there any pain, discomfort in the bowel movement? There is no pain and the bowel movement is also correct. And the stool is also coming on time and a good form. And I am feeling fine. I am feeling that my disease has solved. My disease has been cured. Okay. Thank you.